जिसका जीता जाता उदाहरण एक सप्ताह के अंदर एक दर्जन की हत्याएं दर्शाता है। ताजा मामला एक गरसराय थाना क्षेत्र के इलाके में धोबिया टोला गांव की है, जहां देर रात मछली मारने के छोटी से विवाद को लेकर दिव्यांग मदन प्रसाद की दबंगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि रात के 10:30 बजे दिव्यांग मदन प्रसाद के घर के सामने पानी में 3 लोग मछली मार रहे थे। इसी दौरान दिव्यांग मदन प्रसाद की पत्नी ने मना किया। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हुई। कहासुनी के दौर थोड़ी देर बाद जैसे ही बिजली कटती है, वैसे ही 3 की संख्या में अपराधी घर में घुसकर दिव्यांग मदन प्रसाद की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। मृतक के पुत्र ने बताया कि 3 की संख्या में अपराधियों को गोली मारने के बाद भागते देखा गया था। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। मौके पर पुलिस ने खोखा भी बरामद किया है। शुरुआत में घटना के पीछे मछली मारने की विवाद को सामने आई है। फिलहाल पुलिस सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है। सौरभ रानी के साथ नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। देसी नाम है। क्या विवाद क्या था? कोई विवाद नहीं सर, पता पहले नहीं। का कुछ मछली नहीं, मछली तो जो मैडम उठाई गए जी, देखो ना कोई बाहर बोला है मछली तो बेलदार जमदार है वो जी हजे मारता है। ये तो मछली जिसको तो अपने खटाल है, वो आदमी है 10 गाय है, इसको तो जी कोई मतलब है ना है। हाँ दी, उसको पूंजी भी दिया था कि जब वो मारिया मछलियाँ पार दो तो हमरों कुछ दिए। बताया कि हमारे घर के बगल में एक दिव्यांग थे मदन यादव, जो पैर से दिव्यांग थे, उनको 10:30 बजे रात में गोली मार दिया गया है। यह जानकारी जब हमें मिला तो हम सदर हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ उनके सभी परिवार से हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान पता चला, हमें नहीं हमारे पूरे नालंदा जिला के जितने 70,000 दिव्यांग हैं सभी का दिल में कहीं ना कहीं आघात हुआ है कि इस तरह का मामला जो है दिव्यांगों के प्रति होता है तो बहुत काफ़ी कष्ट और तकलीफ होता है। कुछ जानकारी मिली है घटना के बारे में? घटना के बारे में जो जानकारी मिला है कि भाई पूर्व से इनका कोई विवाद था और विवाद के कारण जो है इन लोगों परिवार के कोई पता नहीं चला। रात में अचानक उन लोग दरवाज़ा खुलाए और दरवाज़ा खुलाने के क्रम में यही गए और इनको गोली मार दिया गया। मौके से कुछ बरामद हुआ है? मौके से इनके परिजन के द्वारा पता चला कि एक पिस्टल, एक खोखा, कुछ गलासी जो मैंने ये मामला सामने आया। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।